जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है कि विवाह पंचमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है, ये सारी जानकारी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विवाह पंचमी के दिन ही भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसीलिए प्रत्येक साल इस तिथि को राम सीता विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन कुछ उपाय करके शादी में आ रही दिक्कतों या वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन राम जी और सीता जी का विधि पूर्वक पूजन करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है। चलिए जानते हैं हम विवाह पंचमी कब से स्टार्ट है और कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की विवाह पंचमी तिथि 27 नवंबर 2022 को शाम 4:25 से शुरू होंगी और 28 नवंबर दोपहर 1:35 पर समाप्त हो जाएंगी। उदया तिथि होने के कारण इस साल विवाह पंचमी 28 नवंबर को मनाई जाएगी। तो ये तो थी डेट विवाह पंचमी की। अब जान लेते हैं कि पूजा विधि क्या है, कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम इस पंचमी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करेंगे और स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद श्री राम जी का ध्यान पूरे मन से करेंगे। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करेंगे और आसन बिछा लेंगे। अब चौकी पर भगवान राम माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। राम जी को पीले और सीता जी को लाल वस्त्र पहनाएंगे। दीपक जलाकर दोनों का तिलक करें। फल फूल नैवेद्य अर्पित कर विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा करते हुए बाल कांड में दिए गए विवाह प्रसंग का पाठ करें। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से आप विधि विधान से विवाह पंचमी के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं और साथ ही इस दिन कुछ उपाय करने का भी बहुत प्रचलन है, जिससे जीवन में आ रही बहुत सारी समस्याओं का निपटारा हो जाता है। तो चलिए बहुत ही सिंपल उपाय है, ये आप भी कर सकते हैं। वनचाहे वर की प्राप्ति के लिए विवाह पंचमी के दिन व्रत रखकर श्री राम जी और माता सीता जी का पूजन करें, उनका विवाह सम्पन्न कराएं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें। वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्याएं हैं तो आपका विवाह पंचमी के दिन रामचरितमानस में लिखे राम सीता जी का जो विवाह का प्रसंग है उसका पाठ करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस विवाह पंचमी के दिन ही पूरी हुई थी, इसीलिए यदि इस दिन घर में इसका पाठ कराते हैं या करते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती है और परिवार में सुख शांति आ जाती है, सब अच्छे बनने लगते हैं। इस दिन सीमा सीताराम जी की विधि विधान से पूजा करने और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रकार से ये उपाय आप भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि विवाह पंचमी का क्या महत्व है। ऐसी मान्यता है कि विवाह पंचमी के दिन माता सीता जी का और श्री राम जी का विधि विधान से पूजा करने से विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। कुंवारी कन्या यदि पूरे मन से सीता जी और राम जी की पूजा करती है तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। इस दिन अनुष्ठान कराने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनता है। वैवाहिक जीवन में आ रही बाधा रुकावट या समस्याएं खत्म हो जाती है। जीवन में सुख शांति और प्रेम और सकारात्मकता आती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी विवाह पंचमी के ऊपर। आई होप सो आपको ये हेल्पफुल होंगी, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। जय श्री राधे राधे और हैप्पी विवाह पंचमी। जय श्री राम।